नमस्कारम, दिस इज दीपक तिवारी एंड आई वेलकम यू ऑल टू स्वान इंस्टीट्यूट। कुछ एक जानवर और उनके घरों के नाम देखेंगे। पहला वर्ड है अपने पास केनल। केनल का मतलब होता है कुकुरशाला, जहाँ पे डॉगी रहता है। अगला वर्ड है अपने पास स्टेबल। स्टेबल का मतलब होता है घुड़साल, जिसे जहाँ पे घोड़े रहते हैं। अगला है अपने पास पिगस्टी और पिग पेन, दोनों का मतलब होता है सुअर बारा, जहाँ पे सुअर रहते हैं। अगला वर्ड अपने पास वो है एंट हिल। एंट हिल का मतलब होता है बाम्बी, जहाँ पे चीटियाँ रहती है, जिसके अंदर में उसे एंट हिल बोलते हैं। अगला वर्ड अपने पास डेजर्ट, यानी ऊँट का घर। माउस होल यानी चूहे का बिल। अगला वर्ड है ट्री, यानी कि बंदर का घर, बंदर जनरल ट्री पे ही रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है आउलरी। आउलरी का मतलब है उल्लू का घर। कूप, कूप का मतलब है मुर्गियों का दरबा, जहाँ पे मुर्गियाँ रहती हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वेब, यानी कि जाला, जिसमें कि स्पाइडर रहती है, ये मकड़ी। अगला वर्ड अपने पास काउशेड। काउशेड का मतलब है गौशाला, जहाँ पे गौ माता रहती हैं। अगला वर्ड अपने पास वो है बिहाइव। बिहाइव का मतलब होता है मधुमक्खियों का छाता, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती हैं। नेस्ट यानी कि घोंसला, इसमें अलग अलग तरह के बहुत सारे बर्ड्स रहती हैं। पोंड यानी कि बत्तख का घर, जनरली बत्तख जो है पोंड में ही रहते हैं। एंड ड्री, ड्री यानी कि गिलहरी का घर, जैसे गिलहरी इस तरह से देख सकते हैं, इस तरह से रहती है बना के। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है कैटरी। कैटरी का मतलब है बिल्लियों का घर, जिसमें बिल्लियाँ रहती हैं जनरली, जो इंसानों के द्वारा बनाया गया है। अगला वर्ड अपने पास पेन। पेन यानी कि मतलब है बेर का भाड़ा, जो इस तरह से रहता है, पेन का भेर का भाड़ा होता है, मैंने भाड़ा बोल दिया शायद। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है आईडी। आईडी का मतलब होता है ईगल का घोंसला, जिसमें कि बाज रहता है, जल्दी बहुत हाइट पे बना के रखते हैं, इस तरीके से इंडिपेंडेंट होता है जनरली इनका। अगला वर्ड अपने पास है फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है हाथी का घर, हाथी जनरली जंगल में ही रहते हैं। अगला वर्ड अपने पास है ग्रासलैंड। ग्रासलैंड का मतलब है हिरन का घर, हिरन जनरली हरे भरे जगहों पर रहना पसंद करती हैं। अगला है बम्बू फॉरेस्ट, यानी कि पांडा का घर। अगला वर्ड अपने पास फॉक्स होल, यानी कि लोमड़ी का बिल। नेक्स्ट है होलो ट्री। होलो ट्री का मतलब है कंगारू का घर। और रिवर बैंक यानी कि दरियाई घोड़े का घर। और अगला है डॉब कोट, यानी कि सफ़ेद कबूतरों का दरबा, जो इस तरह से बना होता है। अगला है केज, यानी कि तोते का पिंजरा, जो इंसान इस तरह से बना के रखते हैं, हालांकि ऐसे रखना नहीं चाहिए। नेक्स्ट वर्ड अपने पास होम, यानी कि कॉकरोच का घर। कॉकरोच जनरली घर में ही रहते हैं, तो देयर हाउस इज कॉल्ड होम। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है इक्वेरियम। इक्वेरियम का मतलब है मछली का घर, ये वाला नहीं, ये जो इंसानों ने बना के रखा है, इसे इक्वेरियम बोलते हैं, मछली रखी जाती है, राइट। इसके सिवाय पोंड, रिवर एंड ओशियन में तो फिश होती हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास वो है बरो। बरो, बरो का मतलब है खरगोश का बिल। और खरगोश के बच्चे को बनी बोलते हैं और खरगोश को रैबिट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड अपने पास होल। और जनरली स्नेक जो है होल ही में, सांप में ही, बिल में ही रहते हैं सांप। अगला वर्ड अपने पास वो है सवाना। सवाना का मतलब है जिराफ का घर। एक खास तरह का घास का मैदान होता है अफ्रीका में, उसे सवाना बोलते हैं। अगला वर्ड है अपने पास केव, यानी कि भालू की गुफा। डेन यानी कि शेर का गुफा। और बाघ की गुफा को भी डेन ही बोलते हैं। और अपना लास्ट वर्ड है सवाना। सवाना मतलब चीता का घर। चीता भी जनरली इन हरे भरे जो अफ्रीका के मैदान है, सवाना वहीं पे ही रहते हैं। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माय वीडियो हियर। आई वुड सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देयर, बाय बाय एंड टेक केयर।